बचिए, आप सावधानी से अपना काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य या पिता के करियर की स्थिति भी आज ठीक नहीं रहने वाली है, तो आज जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, करियर का ध्यान रखना, पिताजी के कार्यक्षेत्र का थोड़ा सा ध्यान रखना, उनकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना भी आपको लाभ देगा। विद्यार्थी वर्ग को आज सफलता मिल सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। और चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, खर्च में कमी आएगी। आज की दिनचर्या में आप लिया हुआ जो भी आपके ऊपर उधार था, जो भी कर्ज की स्थिति थी, आप उसे उतार सकते हैं, यानी कर्ज को चुकाने की स्थिति बनेगी। नए कार्य के आरंभ के लिए आज का दिन और आज का ये समय, ग्रहों की परिस्थितियां आपके अनुकूल जा रही हैं, तो आप प्रयास अवश्य करिए। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को न लगाएं, आज दिन बहुत महत्वपूर्ण है, समय का सदुपयोग करें। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार संबंधी निर्णय लेने से बचे, समय पर कार्य न होने से तनाव बढ़ेगा, आत्मविश्वास में कमी भी संभव है, तो आज अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। परिवार के सुझावों का, उनकी तरफ से जो सुझाव आते हैं उसकी अनदेखी न करें, उनकी राय को अमल में लाना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और अब बारी कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में काफी समस्या चल रही है, आप परेशान हो सकते हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। घरेलू मामलों में आज आप मजबूती से जो भी समस्या थी, बाधा थी, व्यवधान था, उसको दूर कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की बाधा को दूर करने का भी प्रयास करेंगे तो आपके हित में होगा। ओम शूर्प कर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी मेहनत में कमी मत करिए। और अब बारी है सिंह राशि के जातकों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए, आय में वृद्धि के लिए कुछ अच्छे नए प्लान, कुछ नई योजना आपके मन में आ सकती है, दिमाग में आ सकती है, जिसको क्रियान्वित करने का आप प्रयास करेंगे, जिससे आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज के सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। स्वयं का सोच विचार जो है, आपको चिंतन मनन करके काम में लगना, वो ज्यादा सार्थक रहेगा। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको दैवीय कृपा दिलाएगा। आज आप बहुत ज्यादा मत बोलिए, सोच समझ करके नपा तुला बोले, जहां आवश्यक है और जितना आवश्यक है उतनी बात करनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए संपत्ति से संबंधित लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि की आशंका आपके लिए आज बनती है। आपसी मामलों पर व्यर्थ का तनाव न लें, लापरवाही से काम भी बिगड़ सकता है, तो आज आपको तनाव नहीं लेना है और काम में लापरवाह नहीं होना है, ये ध्यान रखिए। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, हर प्रकार के दुख दारिद्र कष्ट से मुक्ति मिलेगी। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें जी। और एक कॉलर हमारे से जुड़े हुए हैं, मोहित हैं देहरादून से। मोहित, आप अपना विवरण बताइए पंडित जी को और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी मोहित, पूछिए आप। हेलो जी मोहित, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना विवरण पंडित जी को बताइए और अपना सवाल आप पूछिए उनसे। नमस्कार पंडित जी, मोहित देहरादून से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1988 जी, और जन्म का समय है रात को 2:17 जी, और जन्म स्थान है रुद्रप्रयाग जी। ये बताएंगे सरकारी नौकरी वगैरह लग सकती है कुछ जी। देखिए मोहित जी, आपके जन पत्रिका के अनुसार ये जो समय है, शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा का समय है। ये समय जो है आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ये आपकी जो बृहस्पति की दशा है, आपके लिए करियर भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, साथ ही सप्तम भाव के स्वामी है, तो इस समय में यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही तो सरकारी नौकरी में संभावनाएं कम है, वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति के लिए
लिए गुरुवार के दिन आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ये जो शुक्र में बृहस्पति का जो संयोग है ये आपके लिए सौभाग्य का अवसर लेकर के आ सकता है। आपको करना ये चाहिए कि गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप कम से कम 2 मिष्ठान हमेशा आप खिला दिया करें। ये 16 गुरुवार यदि आप कर लेते हैं तो गुरु का जो सप्तमेश होने का जो प्रभाव है वो दूर होगा और आपको जीवन में सफलता का मार्ग मिलेगा। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेहा है गोरखपुर से, जानना चाह रही है। नेहा, आप अपना विवरण पंडित जी को बताइए और अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो जी नेहा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1982 सुबह 7 बजे जी। और मेरा जन्म स्थान है बस्ती जी। मैं मीडिया में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्या पॉसिबल है? जी नेहा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय जो है वो चंद्रमा की महादशा का समय है। चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतरदशा है। जहाँ तक आपने मीडिया में अपने करियर की बात कही तो कर्म भाव जो है वो शुक्र का है और वहाँ पर बृहस्पति की स्थिति इसमें शुभता ही प्रदान करती है। निश्चित ही अगर आप मीडिया के क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। मीडिया के क्षेत्र में आपकी जो भूमिका होगी वो बौद्धिक स्तर पर ज्यादा होगी, क्रिएटिव ज्यादा होगी, बनस्पत कैमरे के सामने आने या टीवी पर कुछ करने की। तो आप चिंतन मनन वाला काम, बौद्धिक स्तर पर जो भी रचनात्मक कार्य आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वर्तमान समय में भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मन में चिंता बहुत ज्यादा है, चंचलता बहुत ज्यादा है, काम में एकाग्रता नहीं बन पा रही है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी भी कोई समस्या दिखाई देती है। तो सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध भगवान शिव पर अर्पित करना, शिवलिंग पर अर्पित करना और नियमित दिनचर्या में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको सफलता देगा। जी और एक और कॉलर जुड़ गए, नितिन है बुलंदशहर से। नितिन, आप अपना विवरण बताइए पंडित जी को और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1987 जी, और समय सुबह 7:10 जी, और जन्म स्थान है बुलंदशहर जी। पंडित, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी? जी, ये आपने जो समय बताया ये दिन का है या रात का है? ये सुबह का जी, 7:10 जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के संयोग के बारे में पूछा है तो आपकी कुंडली से ये योग तो जरूर बनता है, आपको प्रयास कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको सूर्यदेव की आराधना करनी होगी, क्योंकि मंगल और सूर्य की स्थिति तो अच्छी है, उसमें कहीं कुछ ऐसी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है कुछ पाप ग्रहों की, जिससे सूर्य का जो प्रभाव होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और मंगल दोनों का अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य है। तो सूर्य जो पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट है उसके कष्ट को दूर करने के लिए आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव को रोज सुबह आप जल दे सकते हैं। अगर जल देना संभव ना हो तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो जो भी कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही है, खासतौर पर सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में जो बाधा आ रही है वो दूर होगी, आपकी सफलता के लिए रास्ते खुलेंगे। और वर्तमान समय में अगर आप समय निकाल सकते हैं तो कम से कम बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन अवश्य करिए। जी और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बाकी बची हुई राशियों का हाल और आपके कॉल का भी हमें इंतजार है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन,
योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन, क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह, देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 और शाम 6:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके सितारे और अब बारी है तुला राशि वाले जातकों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज परिवार से जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय करना चाहिए। फैसला परिवार की भलाई का ही लें और परिवार के लोगों के सुझाव के साथ, उनकी सहमति के साथ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिजनों के साथ मन मुटाव से आज आपको बचना चाहिए। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है, तो यात्रा की जो भी योजना हो, जो प्रायोजन हो, उसे टाल देना ही बेहतर। और अब बारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये इस कठिनाई आपके लिए जो आ रही है वो आपके सहकर्मियों की तरफ से आएगी, एक असहयोग की स्थिति आपके लिए बनेगी, तो इसका सबसे बेहतर मार्ग ये है, रास्ता ये है निष्कर्ष निकालने का कि आपको अपने सहकर्मियों के साथ बैठ करके खुल करके बात करनी चाहिए और जो भी समस्या है उसके मूल तक पहुंचे और उसका हल निकालने का प्रयास करें। सफलता के लिए आज आपको परिश्रम कुछ अधिक करना पड़ सकता है। आज आपका स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित रहेगा, स्वास्थ्य ठीक न रहने के संयोग दिखाई देते हैं। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और जिस तरीके से मैंने बताया कि आज कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन रही, तो ऐसी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है वो विवेक का शत्रु है, आप क्रोध करेंगे तो आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में पिछले कुछ समय से आपके साथ लक्षण ऐसे बन रहे होंगे कि आप जो भी कार्य लेते हैं उसको बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। ये हाल फिलहाल में जो गोचर चल रहा है ये उसका प्रभाव है। इस आदत को आपको अपने अंदर अभी वर्तमान समय में ध्यान देकर के बदलने की जरूरत है। जो भी कार्य लीजिए, जिम्मेदारी से उसको अंजाम तक पहुंचाइए, उसे पूरा करिए। पारिवारिक कर्तव्य जो आपके साथ हैं, आज आप उसकी भली भांति पूर्ति कर सकते हैं, पूरी जिम्मेदारी से आप उसे पूरा करेंगे, लेकिन अपने व्यापारिक जिम्मेदारियों से मुख न मोड़े। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। ये समय आपके लिए निवेश के लिए शुभ नहीं है, तो निवेश के लिहाज से आप आज कोई इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मत करिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुख की कमी, अशांति की स्थिति बनी रहने वाली है, वो आपके परेशानी का और बड़ा कारण बन सकती है। दाम्पत्य जीवन यूं तो सामान्य रहने वाला है, आपको आज किसी से माफी मांगनी पड़ जाए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का यही निदान है, एक पक्ष को झुकना पड़ता है, अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है, और ये समय जो है वो आपके हित में है। अगर आप माफी मांग लेंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वैचारिक तनाव परेशानी कम ही होने वाली है अगर आप ऐसा करते हैं। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी पक्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए, अनायास लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य आज आपके साथ है। प्रयास करने से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। अनचाही समस्याएं जो है वो कुछ सामने आएंगी, वो आप अपनी सूझबूझ से दूर कर सकते हैं, उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम से भी फल प्राप्ति जो है आज वो कम होने वाली, तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी आपको उम्मीद थी लाभ मिलने की, उसमें कुछ मात्रा कम रहेगी, तो उसमें बहुत विचलित नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जो है वो आने वाले समय में आपको और अच्छा लाभ दे जाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, किसी का दिल आज न दुखाएं। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोग आज आपके